क्यों देखो मजे नहीं आ रहे हैं भाई साहब, ये क्या बात हो गई यार। ये कह रहा मुझे मजे नहीं आ रहे बोल श्याम, क्यों नहीं आ रहा मुझे? चलो चलो जाओ, चलो शिवम भंडारी भंडारी शिवम, गाँव का मौसम ये है हमारा मुणगोट। और शिवम ये कह रहे हैं साइकिल किसकी है शिवम, घंटी बजा बस थोड़ी 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 बजेगी, इतनी बजेगी। ये किसकी साइकिल थी? जगत की थी। रेनोवेशन चाहिए बस इसको, ब्रेक देखो उज्जो ब्रेक ठोक लगाने जाओगे ब्रेक यहाँ पर, ये वाला करो हार्ड हो रहे बस थोड़े से। अच्छा गोट क्या बनाया था? रहने के लिए वैसे बनाया था। अच्छा लड़कियों का कमरा जो होता है, मतलब यहाँ से पढ़ते पूरा एक कमरा ऐसा बनाया था। अच्छा जिस दिन शादी हुई थी उस दिन ना, ये मेरी मम्मी का और दी का नैनी हाल है दोनों का। ये गोट है, ये नैनी हाल नहीं, यहाँ पे गाय भैंस रहती है। अरे तो पहले अब रहती है ना गाय भैंस, तो पहले तो यही रहते थे। अच्छा यही है वो ऊपर से जो है, ये ऊपर क्या है ये बताओ, इसके ये अंदर वाला जो कमरा था, अंदर वाला कमरा है। नहीं नहीं जो नहीं, अंदर जहाँ से रहा था कुंडा लगा है वो है, ये जहाँ पे अभी हमने सामान रखा। कंडीशन खराब हो गई है इसकी। अच्छा अच्छा थैंक गॉड। ये तो है अभी लकड़ी यार, मजबूत है इतना, नीचे को नीचे तो नहीं आएगा कोई, ऐसा टूटेगा तो नहीं, काफी मजबूत है। लेकिन काफी टाइम हो गया ना इनको, वही तो नहीं मतलब कि लकड़ियों से कहाँ, हम हमारे परिवार में लकड़ी का घर होगा और एक दिन तूफान आएगा, दूसरे दिन हम माचिस लाए हो? हाँ माचिस लाए हैं। अभी किसने आग जला के रखी होगी यहाँ, आग जलाए हवन करा है, जला के छोड़ गए थे, जला के छोड़ गए थे, जला के बुझा के छोड़ गए होंगे, उधर तो उठ रहा है नीचे से, चलता होगा ये। हाँ चला लेते धूल ये डिश ना, तो तुम्हारा टीवी कहाँ गया? हाँ ये खिड़की कहाँ की है? अच्छा पीछे की, पीछे नहीं नहीं मंदिर है नीचे था पहले है, और पंखा भी ये है मंदिर ही है वो, ना ना वहाँ उड़ रहा है, उस कोने में मत जाना आज वरना तुम नीचे तोड़ के जाओगे। उस कोने में नीचे को थोड़ा थोड़ा टूट रहा है, नीचे लकड़ी टूट चुकी है मंदिर, ये है ये कोने में गाँव में बड़े। अरे ये है बर्तन, अच्छे यहाँ इनका स्टोर, आराम से ले जाओ भाई इतने भारी है क्या? अरे हाँ चढ़ो, हाँ मम्मी तभी मम्मी ने घर बनाई है, घर में ही बनाई है। अच्छा यही तभी मम्मी ऊपर जाकर पत्ता निकाल लेते हैं, लो पकड़ इसको। ओ बेटा दिस भी है बचपन में ना, बहुत सारे नाटकों में सोए सोते हैं वो लोग, बनाते हैं बहुत सारी यादें हैं ना तुम लोगों की भी। ये देखो डेग, हाँ निकालो मैगी के लिए, हाँ कढ़ाई निकाल दो, कढ़ाई कढ़ाई हाँ हाँ हम लेंगे किसमें, हाथ में कटोरी में किसमें? हाँ वो तो है ही। कितने साल दी, घर कब से बंद है, घर कब से बंद है ये वाला, ये कब से है बंद है? तो ताई लोग नहीं आए, मामी लोग भी नहीं आए थे 8 सालों से? अच्छा इतना उन्होंने वो नहीं करा होगा, खोला नहीं होगा, यहाँ नहीं आए। अच्छा पीछे का
ओ सारा संभाल के रखा है। पुराने बर्तन का अगर लोटा कसनी पानी गिर ले पानी है तुम पानी ढूंढ रहे थे वो जो ती इस झाड़ू को क्या करते थे। अच्छा तो मम्मी जो बोल रही थी वो बनाने के लिए वो हमारे बर्तन में बनेगा वो हमारा तौल का है वो तो देखेंगे का है पापा पहले टेंट हाउस में काम करते थे तो देखिए सब्जी रख रहा हेलो हेलो कहने का कल सुबह लाउड स्पीकर लगा लेती हूँ मैं गांव वालों मैं आई हूँ जी। मम्मी बर्तन धो रही है ये लोग काम करना शुरू कर रहे हैं और नीचे जा रहे पंडित जी को बुलाने। मेरी हालत टाइट हो गई है मैं सोने वाली हूँ। अभी हम जा रहे पंडित जी को बुलाने के लिए मतलब कल सुबह के लिए बोलने के लिए। एक्चुअली हो ही रात गई हमको आते आते तो इसलिए हमें जाना पड़ेगा अभी। हाँ चल बल हाथ हाय किसको किसको भगा रहे हो आने वाले लड़ो लड़ो इतनी बासों डर लेने ही पड़ते किसको किसको भगा रहे हो इसको मार मार के ओले हेलो अच्छा वो पाउजी है छू देख ला छे नहीं बुआ रे बोल कर रे अच्छा ये रामनगर में हमारा उसका तुली रामनगर में है क्या कोई कोई अरे उठो उठो ननू को लेने क्या देना है आपको फोन आपको दे दूं क्यों ये मेरा मोबाइल क्यों बताओ फोन मेरे को दे दो बल हाय तो हम कैसे जाएंगे फिर जय नहीं बोला तूने पैसे जय नहीं बोला ये है टाइम जय हिंद हेलो अच्छा हेलो अरे वाह क्या बात है अरे कितनी ताकत है इसके अंदर हाय किस खुशी में नाच रहे हो इतना ये सब है ये खुशी है हृदय हमेशा वो मस्त रहो चले मम्मी से पूछो चलो चलो मम्मी हम जा रहे हैं मम्मी बाय मम्मी को बाय कर दो कल आएंगे बोलना कल आएंगे चल चल लोगे आप हमारे साथ आप तो हमें जानते ही नहीं हो बताओ चल रहे हो आओ चलो फिर चलो आओ चले चप्पल कहाँ है हाँ नानी क्या कह रही है बाय चले हम चले अब हम चले घर। भाई साहब क्या धुएं में बना रहे हो ऐसे रोटी कि मैं क्यों खा लूँ एक रोटी। हाँ भूख तो मुझे बहुत लगी पर मैगी भी बनाऊंगी ना सब खाऊंगी देखते हैं यार बाहर कर लो यार इसे यार बाहर एक और कर लो। बनने हमारा खाना पीना कैसी चल रही है आज बहुत ज्यादा धुआं लग के धुआं ही धुआं कमरे में हॉल हो गया हॉल धुआं हो गया रोटी बन गई मैगी बन रही है। शेफ कहाँ गई दिखाई नहीं दे रही बेस्ट है हम बेस्ट तो नहीं बता सकते पर सेफ है चूल्हा हे भगवान मेरे को तो इतनी थकान हो गई है बहुत ज़्यादा। तो इस कढ़ाई में हमारी बन रही है मैगी तो हम बना रहे इस कढ़ाई में मैगा आहा गांव में मैगी वाह 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 तभी ये पक रही है चूल्हे में मैगी रोटी बन गई मैगी बना रही क्योंकि बहुत थक गए हैं सबके सब बिल्कुल टाइम नहीं है हमारे पास मैं तो बिल्कुल ज़्यादा थक चुकी हूँ मैं सुबह से कुछ नहीं खाया है
तो अब जल्दी से इसे बन के फिर खाना खाएंगे। फ्रेंड्स यहाँ बन रही है हमारी मैगी और रोटी बन चुकी है, तो मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। सो हम लोग कल सुबह एनर्जी के साथ उठ के व्लॉग को स्टार्ट करेंगे, तो आज के व्लॉग को ही तब तक के लिए बाय बाय। आई होप आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आएगा। हम 12 साल बाद नैनीताल आए हैं अपने, तो मम्मी भी 12 साल बाद आई है। मम्मी का मायका हुआ, दी का भी मायका हुआ और हमारा नैनीताल हुआ। हमारा मैगी वैगी बन चुका है, लेकिन यह है कि आसपास के लोग अच्छे रहते हैं, गांव के लोग सब बढ़िया होते हैं एकदम। वो हमारे पड़ोसी ने चाय वाय पिलाई और फिर उसके बाद पानी दिया, किसी ने कुछ दिया और यहाँ पे लकड़ी भी शायद किसी की थी तो वो ले ली फिर जलाई। तो हमारा खाना बनने ही वाला है, फिर उसके बाद हम खाते हैं फिर सोते हैं। तो मिलते हैं कल सुबह एक नए ब्लॉग के साथ। तो आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। Thank you for watching and please subscribe to my channel, like to my video. Bye.